बहुत बड़े बड़े आम है यहाँ, बहुत बड़े बड़े है ब्रो। दे दे इधर चल। ये देखो गाइज कितना बड़ा आम है, पूरा इतना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे सब लोग? टकाटक ना, होप्स सब लोग टकाटक होंगे और टकाटक ही होना चाहिए। तो स्वागत है आपका बड़े ब्लॉग में। आज मैं फिर से नया ब्लॉग बना रहा हूँ। आज तो आज निकालने वाले हैं हम आम, जो कि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि हमारे परसावन में बगीचे में एक आम का पेड़ है, तो उसको बहुत सारे आम लगे हैं। ये देखो निकालना चालू किया है भाई लोगों ने हमारे, तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कितना निकाला है। अरे ते तैयार झालेत फूल, आता गळायच्या यायला लागलेत। आईच्या गाव थांब गाइस, मैंने ये जिला ले लिया लेकिन ये फटा हुआ था, तो इसलिए इधर से आम गिर रहे थे नीचे, तो दो तीन आम हमारे खराब हो गए। ये देखो कितना खराब हो गया, नीचे गिर गए। ये देखो इतने आम गिर गए, बड़े बड़े आम। अभी इनका कुछ फ़ायदा नहीं है, इनको काटना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि गिरने के बाद ये अगर पकाने के लिए रखे तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए अभी पहले इसको बांध के लेके लेते हैं अच्छे से, और फिर बाद में निकाल दें। बड़े बड़े आम यार गिरा दिए। ये देखो कितना बड़ा है। ये हमारी दादी जी देखो, हम दोनों देखो चश्मा पहन के एकदम फुल पॉश में हम निकल रहे हैं। लाना सुतर गया तो कैसे करते हो? अरे लाना जल्दी। अरे सुतर दे का देते हो? पश्चात पूछ हाली या क्या करती? सो फाइनली अपना जिला तैयार हुआ है। अभी इधर आम ऐसा अटकेगा और इतने इसमें नीचे गिर जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं कितने निकाल दे अपन। एक ये देखो गाइस, टोटल हमने मैंने अभी 5 निकाले हैं, तो अभी इनको हम लोग ऐसे ही सीधा पेटी में रखेंगे बाद में। ये ले निकाल। किधर जा रहे हो? घूमने को। घूमने को वोटिंग करके आए क्या? नहीं नहीं करने का। रुक मैं इधर ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर चढ़ के इजी पड़ेगा अपने को निकलने के लिए, ठीक है? हाँ इधर से अच्छा। हाँ तैयार करो दोस्ती। ये देखो हमारी दो दादी जी, जिन्होंने हमारा पुराने साल से पूरा घर संभाला है, अभी ये संभाल रही है ना। हमारे दादाजी ने दादी ने पूरे आम को पेड़ को पानी डाल के बड़ा किया, और अभी ये फुकट का खा रही है। ये देखो ये फुकट का खाने आई है इधर। हमारे दीदी की हिंदी देखो, ये आम फूटा हुआ है। फूटा हुआ, फूटा हुआ मतलब क्या? फूटा हुआ है ये आम। इसके हिंदी को ऐसा कागज में रैप करके ऐसा फेंकना चाहिए उसके मुंह पे। ये हमारा हिंदी है, कॉपी में लड़कियां वर के रखी वो गलती से बाय मिस्टेकली हो जाता है ना। ये मेरे गाइज लोग, दोस्त लोग संभाल के ले लेते। ये देखो गाइज कितना बड़ा आम है, पूरा इतना है। ये हमारे दादाजी ने लगाया था, हम लोग अभी फुकट का खा रहे हैं। हम लोग नहीं, दादाजी ने मेरे
ये भी फुकट का ही खा रही है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये देखो और चार मिल गए, बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े। बहुत बड़े बड़े आम है यहाँ, बहुत बड़े बड़े है ब्रो। दे दे इधर चल। पका हुआ आम मिला है मेरे को, फुल येलो येलो। इसको मराठी में बोलते हैं घंटियाल, मराठी में बोलते हैं इसको घंटियाल। अभी मैं पहले इसको खाऊंगा डायरेक्टली ऐसे ही। बिना धोए अभी आप लोग बोलेंगे कि धोया नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खा रहे भाई, ऐसे ही खाने में मजा है। हमारे इधर आजू बाजू कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है, तो हमारे आम एकदम प्योर अच्छे रहते हैं। बाबू ऊपर दिखा, बाबू ऊपर दिखा, अभी नीचे कर। वर कैसा दूं भाई, इन लोगों के हिंदी को तो पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। आता पड़ खाली हाय थाम। आम के पेड़ पे वड़ा पाव खा रहे हो। हमारे गांव के अध्यक्ष वड़ा पाव लेके आए। ए मिर्ची दे दो, मिर्ची माजी तो मिर्ची दे, आंब पड़ती। दोस्तों इधर ऐसा मस्त ठंडा हवा लग रहा है ना, इधर ही सोने का मन कर रहा है, एक नंबर। मस्त वड़ा पाव खाया दो इधर पेड़ पे ही, अब थोड़ा सा पानी पी के ठंडा मस्त इधर ही सोने का मन कर रहा है। अभी भी थोड़े आम बाकी है निकालना, अभी निकालेंगे अपन थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली अपने आम निकाल के हुए हैं, अभी हम लोग उसको पकाने के लिए रखेंगे बॉक्स में पेंडी डाल के या फिर कुछ सूखा चारा में। अभी मेरे को उतरने नहीं हो रहा है। वो थक गया, बहुत दिनों बाद पेड़ पे चढ़ा था। सो फाइनली चलो अभी मेहनत कर पसीना बा, ऐसे ही नहीं मिलता है, फुकट का खा रही है तू बस इधर मेरे दादाजी के नाम पे। तो ये देखो गाइस टोटल अपने को इतने आम मिले हैं, अभी हम लोग काउंट करेंगे, देखते मिली पानी की बोतल तेरे को फ्रिज में नहीं है, तो थोड़ा मट्टे का पानी पीते हम लोग, मस्त ठंडा ठंडा पानी। और ये देखो फुकट का खा रही है, उठा। तो दोस्तों टोटल तीन बॉक्स है, मेरे को मालूम नहीं था तीसरा बॉक्स। ये देखो एक दो और ये तीसरा, एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है ये काउंट कर रहा है, और ये दीदी ये भी काउंट कर रही है। 242, 242, 242,
40 दो तो 44 45 45 दोस्तों टोटल हमने 247 मतलब 247 आम निकाले हैं टोटल। अभी हम लोग इनको थोड़ा सा हवा लगने के लिए ओपन रखा है, बाद में इसको बॉक्स में पिंडी में पैक करके रखेंगे पूरा पकाने के लिए। तो कम से कम 10-15 दिन में पकाना चालू हो जाएगा इसका, तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। पकाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर गांव आया तो, नहीं तो मैं पुणे लेके जाऊंगा। नहीं मिलेगा पुणे में। तो ये रहे टोटल हमारे आम।